देखो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा मुझे, खामखा उस मासूम के नाम पर जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही है और आपको ये सब जिद लग रहा है। अगर तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है तो फिर हॉस्पिटल जाओ ना, इस तरह घर में रहकर हमें झूठ बोलने पर मजबूर क्यों कर रही हो? अगर मेरे होने वाले बच्चे से ज्यादा सारा की बर्थडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आप जा सकती हैं। मैंने किसी को रोका नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए फोर्स मत करें। सुहेल देख रहे हो ऐसे तुम, जब भी राय के ससुराल जाना होता है ना, ये इसी तरह सर पकड़कर तमाशा करती है। मॉम मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग चले जाएं, मैं डैड से भी बात कर लेता हूँ, ये थोड़ा रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। अगर इतना आराम करने के बाद भी तुम्हारी तबीयत ठीक ना हुई तो फिर तो मैं कोई मेडिसिन खा लूंगी जैसे पहले खा ली थी। हाजरा क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या कर रही हूँ मैं? रायत की दुश्मनी में अपने होने वाले बच्चे को इस्तेमाल कर रही हूँ। इस्तेमाल? अगर आप मुझसे इतनी बेजार हैं, तो मुझे मिन्नतें करके यहाँ क्यों लाई? मुझे मेरी मॉम के घर रहने देती हूँ, वो मेरा ख्याल रख सकती हैं। हाजरा तुम माँ बनने वाली हो, दुआओं की जरूरत है तुम्हें। मतलब क्या है आपका? इतना मत सताओ किसी को कि उसकी आह तुम्हारी औलाद को लग जाए। आप मेरे होने वाले बच्चे को बद्दुआएं दे रही हैं। सुहेल आप देख रहे हैं ना, आपकी मॉम मेरे होने वाले बच्चे को बद्दुआएं दे रही हैं। बातों पे कम ध्यान दो, टांगे दबाओ। बेटे मेरा नेक ख्याल, अब इंतजार करने का कोई फायदा है? कोई नहीं आएगा। सारा सारा बेबी जी, ये सब हटवा दो, हटवा दो।